कि जो लोग भारत की तरक्की से परेशान होते हैं निगेटिव काम करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं और इस पर मेरा हमला पूरे बड़े जोर शोर से जारी रहने वाला है ये चेतावनी पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हुए हैं उसके जवाब में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ मेरी जंग जारी रहेगी इस हेडलाइन को पहले भी वो दे चुके हैं लेकिन मार्क करिएगा गौर करिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जी पॉलिटिक्स का जी, दूसरा आयाम यह है जी तो उन्होंने जनरली जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे आ, इलाकों की बात करते हैं वर्गों की बात करते हैं लेकिन इसमें पूरे स्पीच में उन्होंने सिर्फ एक राज्य का जिक्र किया और एक शहर का जिक्र किया एक इलाके का जिक्र किया वो था बिहार और नालंदा वो एजुकेशन के बारे में था और चर्चा करेंगे विकास आप कुछ और पूछना चाहें तो जी आ, जो आपने बातें कहीं पूरे जो प्रधानमंत्री का लंबा भाषण था जो संदेश था उसको आपने एक तरह से छलनी से छान की सब दर्शकों के सामने रख दिया कि इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण बातें कौन सी राजनीतिक हेडलाइन है जिसपे आगे डिस्कशन होगा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पर बिजनेस फर्टिलिटी को काम करना है एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप, आ, कही और आपने भी उसको काफ़ी जोर दिया उस पर कि चुनौतियाँ बहुत हैं बाहरी चुनौती चुनौतियाँ भी हैं और भीतरी चुनौतियाँ भी हैं और अगर उस भाषण के आगे के सीक्वेंस को देखें तो उन्होंने उसके बाद भ्रष्टाचार का जिक्र किया उसके बाद बांग्लादेश की घटना का जिक्र किया तो इस पूरे सीक्वेंस से आप क्या समझते हैं क्या उन्होंने देश के बाहरी शक्तियां जो देश में इस समय पूर्ण बहुमत की बीजेपी की अकेले सरकार नहीं है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई उनकी है पिछले कुछ सालों में उस पर भी किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश ना हो उसका भी कन्विक्शन उन्होंने दिखाया आ, बिल्कुल उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना भारत के लोगों को ये बताया है कि जो बाहर की चुनौतियां हैं उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सजग हैं और उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं बांग्लादेश के संदर्भ में जाहिर है क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी हमेशा रही है आ, नेबर नेबरहुड फर्स्ट उसमें एक सेटबैक है बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है और भारत में उसकी चिंता ज़ाहिर तौर पर है पूरी दुनिया में है उसको वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि हम भारत के तौर पर बांग्लादेश के वेलविशर हैं और एक प्रकार से नए निज़ाम को ये बता रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आपकी भी तरक्की हो लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हम बहुत नज़दीकी से इन घटनाओं को देख रहे हैं और जो ज़रूरी होगा वो हम करेंगे और देश को भी आश्वस्त किया है कि हमको पता है कि अगल बगल बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम हर घटना को हर चीज़ को संभालने के लिए तैयार हैं